यह भी साथियों, मैं इस वक्त हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट फैकल्टी सेंटर पर। यहाँ पर जो डॉक्टर रतनलाल जी की गिरफ्तारी हुई थी, उसके समर्थन में उनकी गिरफ्तारी को, उनको डॉक्टर रतनलाल को रिहा करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं तमाम सोशल एक्टिविस्ट हैं। किस प्रकार से आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और अपना प्रोटेस्ट दे रहे हैं। यहाँ पर युवा साथी हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं, हम भी आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में डॉक्टर रतनलाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ कितना विरोध प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सम्मान कर सकते हैं न लोकतंत्र का संघ कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ संविधान विरोधी काम कर सकते हैं। और इनका जो एकमात्र एजेंडा है कि देश में किसी भी हाल में मनुस्मृति लागू कर देना है, इसके लिए इन्होंने पूरी जान लगा दी है कि देश में मनुस्मृति ये लागू करके रहेंगे। सर, ढोल गवार दूध पशु नगरी ये सब तारण के अधिकारी आज भी पढ़ाया जा रहा है, आज भी मतलब खुलेआम टीचरों को कहा जाता है इसको पढ़ाया जाए, इन पर एफआईआर नहीं? बिल्कुल नहीं होगा। मैंने जैसा कि अभी कहा है, यह देश अब मनुस्मृति से चल रहा है। आप बताइए, एक दलित अपनी आवाज उठा रहा है, जेल में डाल दे रहे हैं, पीट दे रहे हैं, अब कैसा मनुस्मृति है? मुझे तो लगता है कि वह जो पहले जो मनुस्मृति का दौर रहा होगा, वह इतना खतरनाक दौर नहीं रहा होगा। उस समय भी पढ़ने पे कान में पिघला हुआ शीशा डाल देते थे, आज भी रोहित वेमुला को आत्महत्या करनी पड़ती है, आज भी मुथू को आत्महत्या करनी पड़ती है, आज भी पायल तड़वी को आत्महत्या करनी पड़ती है। मुझे तो लगता है कि जब वह दौर रहा होगा, तब किसी को मूछ रखने पर उसकी पिटाई नहीं होती होगी, घोड़ी चढ़ने पर नहीं रोका जाता होगा। आज का दौर ज़्यादा खतरनाक हो गया है। मनुस्मृति 2014 के बाद से अघोषित और घोषित रूप से लागू हो चुका है। पुलिस की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं कि वो डॉक्टर रतनलाल को गिरफ्तार कर ले, और कहीं से बू आ रही है? नहीं, ये पूरा तो आरएसएस का खेल है और पुलिस आरएसएस के इशारे पर चलती है। आरएसएस का जो एजेंडा है मनुस्मृति लागू करने का, दलितों के गले में हरिया, कमर में झाड़ू लटकाने का, डॉक्टर रतनलाल जैसे बौद्धिक लोग, इंटेलेक्चुअल लोग आरएसएस की उस साजिश के खिलाफ हैं, उसके खिलाफ लोगों को अवेयर करने का काम कर रहे थे, वो बाधक थे, इसीलिए रतनलाल जी को उठाकर अंदर किया गया है। उत्तराखंड में जो भोजन माता थी जिसको हटा दिया गया था पिछले साल, तो फिर से जो हटा दिया गया, खाना खाने से इनकार कर दिया बच्चों ने? डॉक्टर अंबेडकर ने एक जगह लिखा है कि भारत बौनों की प्रजाति वाला देश है, जिनका ठीक से शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाया। इस देश के लोगों के दिमाग में जाति का कीड़ा इनबिल्ट डाल दिया गया है। हम जाति के आधार पर खाना खाते हैं, जाति के आधार पर शादी ब्याह करते हैं, जाति के आधार पर किराए का मकान लेते हैं और देते हैं, तो जाति हम इनबिल्ट हैं। तो यह जो एक कोई घटना आपको उत्तराखंड में सामने आ गई, तो हमें पता है न जाने ऐसे लाखों घटनाएं ऐसी रोज पूरे देश में हो रही है। तमाम कहते हैं देवभूमि है उत्तराखंड, तो वहाँ देवों का वास है ऐसा कहा जाता है। देखिए, फिर कुछ कंट्रोवर्सी वाला एक तो मुकदमा अभी ताजा हुआ है मेरे पास, देवी देवता के बारे में बोल देंगे फिर न मुकदमा हो जाए। इन लोगों की भावनाएं भैया बड़ी कमजोर हैं, इनके जो लोग हैं बहुत जल्दी डर जा रहे हैं, तो इनकी भावनाओं को आज हम आहत करने के विचार में नहीं है। डॉक्टर रतनलाल जी ने जितनी आहत कर दी है भावना, उसका रिपेयर इनको करने का मौका दिया। सर, एक सवाल करना चाहूँगा, जिस प्रकार से तमाम टीवी डिबेट पर ये तर्क दिया जाता है कि उस वो जो कथित तौर पर फुब्बारा कह रहे हैं या सिविलिंग है, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये कह रहे हैं उस टाइम पे लाइट नहीं थी तो इसमें पानी कैसे निकलता होगा, शिव जी की जटाओं से साक्षात गंगा बह रही है, वहाँ पर कौन सी मोटर लगी हुई? अब मैं बताऊँ बात, मोटर मैं कह ही नहीं सकता हूँ। इस पर जो आधिकारिक जवाब है कि फब्बारा था, शिवलिंग था कि क्या था, इस पर आधिकारिक जवाब डॉक्टर रतनलाल दे सकते हैं, वो एक इतिहास के स्टूडेंट हैं, वो एक इतिहासकार हैं। मेरी बात कोई क्यों मानेगा, मैं कौन होता हूँ कहने वाला, या कोई मीडिया वाला बता रहा है शिवलिंग था, शिवलिंग और फब्बारा दोनों ही हम नहीं कह सकते। जो डॉक्टर रतनलाल कहेंगे हम उसकी बात से सहमत होंगे, डॉक्टर रतनलाल इतिहासकार हैं,
इतिहास की बात है, उसकी पूरी साइंटिफिक जो पूरा एक उसका अलग हिसाब होता है, कार्बन डेटिंग होती है और उसके माध्यम से इतिहासकार बताते हैं कब का है, क्या है वहाँ की ऐतिहासिक भौगोलिक राजनीतिक क्या पृष्ठभूमि रही है उसके आधार पर। बिल्कुल लग ही रही है, कुत्ते और बंदर, भालू, गधे, इस देश में तो कुतिया की भी पूजा होती है, हम लोग सोशल मीडिया में देखें, क्या ही कर सकते हैं भैया। वैज्ञानिकता जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो तो ताखे पर रख दिया गया है, क्या ही कर सकते हैं हम लोग इस देश में। इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारा समाज अभी पूरी तरह जगा नहीं है। जिस तरह से इस देश का दलित समाज अवेयर हुआ है, काश ओबीसी समाज भी जग गया होता तो इन मनीवादियों को वापस यूरेशिया धकेल दिए गए होते। आम तरह से जो सोशल एक्टिविस्ट, दलित एक्टिविस्ट, बहुजन लेखक, विचारक दलित दिल्ली यूनिवर्सिटी में एकत्रित हुए हैं, उनमें काफ़ी आक्रोश है और वो कह रहे हैं, सरेआम कह रहे हैं कि ये केवल दलित एक्टिविस्ट को डराने के लिए एक नाकाम कामयाबी डॉक्टर प्रोफेसर रतनलाल जी पर की गई है, इससे दलित समाज डरने वाला नहीं है और मजबूती के साथ आगे खड़ा होगा। आप इन वीडियो पर क्या विचार रखते हैं, डॉक्टर रतनलाल जी की गिरफ्तारी पर क्या सोचते हैं, उनके समर्थन में है या असमर्थन में है, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आप देखते रहिए जनता आवाज़। नमस्कार, जय भीम।